हेलो एवरीवन, मैं गाय किशन कामिनी आज आपको बताने वाली हूँ नेशनल किडनी डे के ओकेजन पे कि आप अपनी किडनी को कैसे बेहतर बना सकते हो और कैसे अच्छे से उसकी केयर कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं छोटी छोटी बातों पे जो आप डेली यूज में ध्यान दें और आप फ्री रह सकते हैं किडनी के इन्फेक्शन और बीमारी से, उस बात के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। बेसिकली होते क्या है कि हमें किसी टाइप के पेन हुए, कॉम्प्लिकेशंस हुए, वी आर वेरी इजी टू टेक एनी काइंड ऑफ पेन किलर। लाइक हमने एस्प्रिन ले लिया या फिर हमने कॉम्बीफ्लेम ले लिया, प्लीज अवॉइड द एक्स्ट्रा पेन किलर विदाउट एडवाइस ऑफ योर फिजिशियन। तो पहले आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, फिर आप किसी तरह की पेन किलर लें। कोई भी पेन किलर आप अगर रेगुलर लेते हैं बिना डोज प्रिस्क्राइब किए हुए, अगर आपको उसकी बहुत जरूरत नहीं है फिर भी आपने पेन किलर ली, तो आपके किडनी पे वो लोड देगा और आपके किडनी इन्फेक्शन हो सकते हैं। डिहाइड्रेट योर बॉडी, पानी की मात्रा, अपने बॉडी को डिहाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। अगर हम डिहाइड्रेट नहीं रखते तो हमारी बॉडी में किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एटलीस्ट नॉर्मली 10-12 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे ले एंड इंक्लूड द गुड अमाउंट ऑफ वाटर रिच फ्रूट्स इन योर डाइट, लाइक अ कुकुम्बर, मेलन, पियर, दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स यू कैन ऐड इन योर डाइट। और बेसिकली हमें बच्चों का और बूढ़ों का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए, उनकी वाटर इनटेक इतनी नहीं होती है। तो हाउ वी कैन इंक्रीज द वाटर इनटेक इन द फॉर्म ऑफ बटर मिल्क कर सकते हैं, लस्सी दे दिया, तो पानी की मात्रा मेंटेन रखनी चाहिए, डिहाइड्रेट करके रखने हैं अपनी बॉडी को। लो द इनटेक ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की मात्रा हम खाना तो कम नहीं कर सकते बट कैसे मेंटेन करेंगे। नाउअडेज वी आर वेरी फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ द चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, इस टाइप की चीजें लेते हैं एंड दे आर एडिंग द लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव सॉल्ट इन योर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये चीजें अगर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में फ्रिक्वेंट यूज ना करें तो हम अपनी किडनी को लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रख सकते हैं। तो डोंट यूज दिस काइंड ऑफ स्नैक्स। अगर कुछ लेना है इन बिटवीन, देन वी शुड गो विद द रोस्टेड मखाना, रोस्टेड काला चना, मुरमुरा हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नॉर्मली जो डेली यूज डेली रूटीन में हम सॉल्ट यूज करते हैं वो हमारी रूटीन होती है 6-7 ग्राम, बट वी शुड ऑलवेज इंक्रीज द इनटेक ऑफ सॉल्ट, इट शुड बी 4-5 ग्राम पर डे। अवॉइड आउटसाइड फूड, आउटसाइड फूड हम इसलिए अवॉइड करते हैं, दे आर एडिंग लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव इन दिस काइंड ऑफ पैकेट फूड। कार्बोनेटेड बेवरेजेस अवॉइड करने हैं, ट्रांस फैट होते हैं उसमें जो हमारी बॉडी को हेल्दी नहीं रखते, इस टाइप की चीजों को हमें अवॉइड करिए। तो बेसिकली कुछ चीजें हैं, लीस्ट लास्ट में बेसिकली ये चीजें होती हैं कि लास्ट बट नॉट लीस्ट वी शुड ऑलवेज डोंट अवॉइड द थिंग्स ऑफ लाइक अ वार्निंग सिम्टम्स। वो वार्निंग सिम्टम्स क्या है जो हम सिम्टम्स फील कर रहे हैं, इन दैट वे यू शुड ऑलवेज गो विथ योर फिजिशियंस, आप उनसे बात करें, उनकी सलाह लें, अपने डेली रूटीन लाइफ में अपने इन चीजों को इग्नोर ना करें। वो सिम्टम्स क्या है जिसे हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। कलर चेंजेस ऑफ यूरिन, अगर यूरिन की कलर चेंज हो रहे, फ्रिक्वेंसी एंड द कंसिस्टेंसी ऑल्सो, अगर कंसिस्टेंसी भी चेंज हो रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड सिंबल। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ड्राई स्किन, स्वेलिंग अंडर द आईज, आईज के नीचे के पार्ट में अगर स्वेलिंग हो रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स इज गिविंग यू वार्निंग, आपको वार्न कर रही है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी। तो ये एक मशीन है, इस मशीन की हमें हमेशा चेकअप कराती रहनी चाहिए और सही समय पे सही चीजों को समझ के अगर हम करें तो हमारे शरीर हमारा साथ लंबे समय तक देगी। सो प्लीज बी हेल्दी, ईट हेल्दी, बी हेल्दी। थैंक यू।